हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश के सामने हमारे लिए ये आती है कि जो हमारी 12th की इंग्लिश है, इसको हमारे स्पेशली यूपी के जो बच्चे हैं उसका बेसिक और रियल मीनिंग इंग्लिश में नहीं समझ पाते, और साथ ही साथ इंग्लिश का मीनिंग जो है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना हमारी मजबूरी हो जाती है, ताकि हम चैप्टर का सही मैनर, सही तरीका हम बच्चों को समझा सकें कि आखिर इस चैप्टर की रियल वैल्यूज़ क्या है, रियल मीनिंग क्या है बिहाइंड की CBSE ने ये आपकी नॉलेज में रखा चैप्टर। इसी क्रम में आज जो हम पहला चैप्टर जो हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंस डोरे ने, जो कि 1840 में जिनका जन्म हुआ और 1897 में इनकी डेथ हुई, वाज अ फ्रेंच नोवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। काफी अच्छे नोवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूसियन वॉर 1870 to 1871। यानी कि ये जो चैप्टर लिखा गया है वो फ्रांस और प्रुसिया के बीच में जो कभी वॉर हुई थी 1870 से 71 के बीच में, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रुसिया लीड बाय बिस्मार्क। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्योंकि हमने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा है, जिसमें इस युद्ध में फ्रांस जो था वो प्रुसिया से हार गया था, उस दौरान प्रुसिया को लीड कर रहे थे बिस्मार्क। प्रुसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। एक समय था ये प्रुसिया नाम का भी एक देश हुआ करता था, जिसमें कुछ जर्मनी का, कुछ पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का आता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रुसियन हैंड्स। इस चैप्टर में हमें यह पता चलेगा कि फ्रांस के दो जिले, जिसमें एक जिले का नाम अल्सेस और दूसरे का नाम लोरेन था, जो कि प्रुसियन के हैंड चले गए थे, यानी कि प्रुसियन ने उसको जीत लिया था युद्ध में। ऑन रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। और अब इस चैप्टर को एक्चुअली हमारे नॉलेज में सिर्फ इसलिए रखा गया कि एक इंसान के जीवन पर क्या फर्क पड़ता है जब कोई एक एरिया, एक बड़ा देश कैप्चर कर लेता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए PM एंड प्रेसिडेंट्स या आर्मी जनरल्स होते हैं, उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि उन्हें किसी एक एरिया को कैप्चर करना है, दैट्स इट। लेकिन उस दौरान उस एरिया में रहने वाले लोगों के जीवन पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है कि उसे किसी दूसरे एरिया के लोगों ने कैप्चर कर लिया, ये इस बात पर डिपेंड करने वाला चैप्टर है। हमें यह एहसास कराएगा कि आखिर वो इमोशनल चीजें, जिस इमोशंस को बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स और बड़े बड़े लोग नहीं समझते हैं, हम इस चैप्टर में उन्हीं चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफिकल मैनर में लिखा गया है, और इस चैप्टर को समझने का बड़ा ही अच्छा तरीका है। आप मिलने वाले हैं एक नन्हे से बच्चे से जिसका नाम है फ्रेंड्स। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Emmanuel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. मैं स्कूल जाने के लिए बड़ा लेट गया उस सुबह, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर बड़ा डर लगता था। इसलिए क्योंकि एम हेमल ने हम सभी को पार्टिसिपल्स तैयार करने के लिए दिए थे, और कमाल की बात यह थी कि मुझे उसमें एक भी वर्ड नहीं आता था। For a moment, I thought of running away and spending the day out of the doors. क्योंकि मुझे participle का पी भी नहीं आता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज स्कूल न जाया जाए और आज कुछ बाहर वक्त बिताया जाए। But actually, मुझे ऐसा लग रहा था, but मैंने ऐसा नहीं किया। It was so warm, so bright. दिन बड़ा प्यारा सा था, काफी खूबसूरत दिन था, सूरज की चमक काफी अच्छी थी। The birds were chirping at the edge of the woods. और चिड़िया चहचहा रही थी पेड़ की डालियों पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉ मिल द प्रुसियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। और वहां पीछे एक खुले से मैदान में, जहां आरा मशीन, जहां अक्सर लकड़ियां काटी जाती हैं, वहां पीछे प्रुसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रुसिया के जो सोल्जर्स थे जिन्होंने अल्सेस या लोरेन पर कब्जा किया था, वो वहां पर ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि वहां पर घूम रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये माना कि participles के मुकाबले बाकी सब बहुत प्यारा लग रहा था, और मेरे पास पूरी ताकत थी रुकने की, लेकिन मैं नहीं रुका, मुझे स्कूल जाना था। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. कमाल की बात ये थी, जब स्कूल जाने के बीच में जो टाउन हॉल पड़ा, मैंने देखा वहां पर बुलेटिन बोर्ड के सामने काफी सारी भीड़ थी। For the last 2 years, all a bad news had come from there. कमाल की बात ये थी कि पिछले 2 सालों से हमारी जितनी भी बैड न्यूज थी,
वो सब वहीं से हमें मिलती थी, किससे, उस बुलेटिन बोर्ड से, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द सो ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो भी कुछ था, हमारी हारी हुई बैटल्स, हमारे लिए आने वाले ड्राफ्ट्स और हमारे कमांडिंग ऑफिसर का जो हमारे लिए आदेश था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और एक पल के लिए बिना रुके मैंने भी सोचा कि आखिर आज इतनी कौन सी बात है कि इतनी सारी भीड़ है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, क्योंकि मुझे स्कूल जाने में मैं वैसे ही लेट हो चुका था और मैं बड़ी जल्दी से जा रहा था, द ब्लैक स्मिथ, वो लोहार, द वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो लोहार जो वहां पर खड़ा हुआ था अपने अप्रेंटिस, अपने नौसिखिए के साथ जो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था, एक पल के लिए बिल्कुल उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला, अरे इतनी तेज क्यों जा रहे हो नन्हे बच्चे, तुम्हारे पास तो बहुत सा टाइम है स्कूल पहुंचने में। अब बच्चों अक्सर इस चीज का इंग्लिश में मीनिंग लोग नहीं समझ पाते हैं, एक्चुअली उसने ये कहा कि तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने का बहुत सा टाइम है, बट रियलिटी में स्कूल तो टाइम पे जाया जाता है ना, तो ये एक तरीके का उस पर सटायर हुआ ना, मजाक हुआ ना उसके साथ, जिसको समझ पाने में एक्चुअली हम ट्वेल्थ में आने के बाद भी हमारे बच्चे भी इस लाइन का मीनिंग सही तरीके से नहीं समझ पाते। तो अब इसका मीनिंग ये हुआ, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, रियलिटी में अब आप समझ चुके होंगे पहली लाइन का मतलब क्या था। एंड reached MMS Little Garden out of breath, लेकिन उसके बावजूद भी सांस मेरी फूल चुकी थी, फिर भी मैं MML के गार्डन में पहुंच चुका था, यानी कि गार्डन मतलब स्कूल का एंट्रेंस एरिया। Usually when school began, there was a great buzzle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better. अक्सर बाकी के दिनों में बड़ी तेज आवाजें हुआ करती थी हैं? और वहां पर हमें ये भी पता चला कि बच्चे बहुत सारे जो थे वो तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर अपने चैप्टर्स पढ़ा करते थे बड़ी तेज आवाज में, और इतने तेजी से पढ़ते थे कि हमें अपने कानों को हाथ लग जाते थे। द टीचर्स गेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर बार बार बड़े बड़े डंडे को पीटा करते थे टेबल पर, उसकी आवाजें और बहुत सारी अजीब तरीके की हजल एंड बजल साउंड हुआ करती थी। बट नॉट इट वॉज ऑल्सो स्टिल, कमाल की बात ये थी आज स्कूल बिल्कुल शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट ऑन माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मैंने ये सोचा किस तरीके से बिना किसी आवाज के मैं चुपचाप बिना किसी की नजरों में आए अपनी सीट पर बैठ जाऊं, बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन हैरानी की बात ये थी ऐसा लग रहा था जैसे संडे की मॉर्निंग है, मैं गलत दिन स्कूल आ गया हूं, आज स्कूल बंद है शायद। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, लेकिन हैरान मैं तब हुआ जब मैंने देखा खिड़की से मेरे सभी दोस्त अपनी सीटों पर बैठे थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब अपनी अपनी सीट्स पर थे। एंड MML वॉकिंग अप एंड डाउन इन दिस टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और MML अपना वही डरावना डंडा अपने हाथ में लिए और क्लास में घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, मजबूरन में मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्रेटफुल आई वाज, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना हैरान, घबराया और डरा हुआ होऊंगा उस टाइम पर। बट नथिंग हैपेंड, MML saw me एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। लेकिन कमाल की बात थी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, MML ने मुझे देखा और मुझे देखते ही बड़े प्यार से कहा कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं सीधा सीधा जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। Not till then when I had to got little over my fright. थोड़ी ही देर में जब मेरा डर धीरे धीरे कम हुआ, did I see that our teachers had on his beautiful green coat. कमाल की बात ये थी जैसे ही सिर उठाया सामने टीचर पर नजर पड़ी और वो अपना खूबसूरत सा ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी प्यारी सी शर्ट और काली कलर की जो रेशम की टोपी थी उसको पहनकर खड़े हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्स, सभी चीजों पर कढ़ाई हो रखी थी, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। कमाल की बात यह थी कि ये वो ड्रेसेस थी जो हमारे सर ने हमेशा इंस्पेक्शन या प्राइस डे पर ही पहनी थी। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और कमाल की बात यह थी इसके बावजूद पूरा का पूरा स्कूल एकदम शांत सन्नाटे में था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द ब्लैक बेंचेस दैट वर Always empty, the village people sitting quietly like ourselves. कमाल की बात ये थी सबसे ज्यादा हैरान मुझे इस बात ने किया कि क्लास की जो पिछली सीटें थी जो अक्सर हमेशा खाली रहा करती थी आज वहां पर गांव के लोग बैठे हुए। ओल्ड हॉजर विद हिज थ्री कॉर्नर हैट, ओल्ड हॉजर बूढ़ा हॉजर बैठा हुआ है जिसने तीन कोने की टोपी पहन रखी है, पुराना मेयर, पुराना पोस्ट मास्टर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। Everybody looked sad. कमाल की बात है सब शांत और उदास क्यों हैं? And Hoser had brought an old primer. और Hoser तो पुरानी किताबें भी ले आया letters की. Thumbed at the edge.
एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीड विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और बड़े ध्यान से चश्मा जो है वो पहन रखा है और बार बार बड़े ध्यान से उन पेजेस को देख रहा है। वेल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल आई एम हेमल माउंटेड स्ट्रेयर। मैं ये सब सोच ही रहा था कि सब चल क्या रहा है। एम हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी। अक्सर उसी प्यार से जो प्यारी सी बात में जैसे उन्होंने मुझसे कहा बैठने के लिए उसी आवाज में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों आज आपको अंतिम लेसन पढ़ाया जाएगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि केवल अल्सेस और लोरेन में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। आपके नए टीचर जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे वो कल आ जाएंगे। दिस इज आवर लास्ट फ्रेंच लेसन आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े ध्यान से सुनेंगे। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मैं हैरान हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे कानों पर कोई बहुत भयानक सा तूफान सी आवाज आई। ओह द रेचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओह माई गॉड, ये वाली बात थी दुख की। अच्छा तो ये सोचना थी जो वो टाउन हॉल पर बुलेटिन बोर्ड पर लगी थी, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। कमाल की बात है, आज मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। आज तो मुझे जैसे तैसे तो मैं अब ये सीख पाया हूँ कि मुझे लिखना कैसे है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं कभी कुछ नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। अब मुझे हमेशा के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर द नॉट लर्निंग माई लेसन्स। आज मुझे बड़ा दुख फील हो रहा था कि जो अब तक मेरे लेसन्स थे वो मैंने क्यों नहीं पढ़े। फॉर सीकिंग बर्ड सेक्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। केवल इसलिए कि मुझे चिड़ियों के अंडे ढूंढने जाना और झूला झूलना बहुत पसंद था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। वो किताबें जो कभी मुझे बहुत ज्यादा न्यूसेंस लगती थी, बहुत ज्यादा भारी लगती थी, मेरी ग्रामर और हिस्ट्री ऑफ सेंट्स की बुक, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी पुरानी दोस्त थी। एंड एमएमएल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर हाउ क्रैंकी ही वाज। और सिर्फ ये सोचने से ही कि एम हेमल मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, मेरे दिमाग से ये भी चला गया कि उनके डंडे से मुझे कितना डर लगता था। पुअर मैन, आज मुझे उन पर बड़ा अजीब सा लग रहा था देखकर। इट वाज हिज ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अच्छा तो ये बात थी कि हमारे सर ने अपने अंतिम लेसन के उपलक्ष्य में ये ड्रेसेस पहनी थी। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे समझ में आया कि गांव के बूढ़े लोग और पुराने लोग क्यों आज क्लास की पिछली सीटों पर बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो भी बहुत ज्यादा पछता रहे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। और ये उन सभी लोगों का तरीका था हमारे टीचर को इस बात को थैंक यू बोलने का कि उसने 40 साल से अपनी बड़ी जिम्मेदारी से जो सेवा की है हम सभी लोगों की, उस देश की, जो देश आज हमारे सर का नहीं रहा। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हैड माई नेम कॉल्ड। मैं ये सब सुन ही रहा था, ये सोच ही रहा था, तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब मेरा मौका आ चुका था कि मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में बोलना था। वट कुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। और मुझे वो सब कुछ बिना किसी गलती के पार्टिसिपल्स सुनाने थे, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। लेकिन मैं करता भी क्या, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं बिल्कुल पहले ही शब्द पर एकदम स्टूपिफाइड होकर खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और मैंने कस के अपनी सीट को पकड़ रखा था, मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं मुड़कर किसी को देखूं। आई हर्ड एम एम एल से टू मी। मैंने सुना कि एम एम एल ने मुझसे कुछ कहा, आई वॉन्ट कॉल यू लिटिल फ्रांस। अरे लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ, मुझे पता है तुम अंदर से काफी ज्यादा घबरा रहे हो। सी हाउ इट इज, जरा देखो तो सही, एवरी डे वी हैव सेट टू अवरसेल्फ बाय आवर प्लेंटी ऑफ टाइम। हर दिन हम अपने आप से यही कहते हैं कि मेरे पास बहुत सा वक्त है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और जरा आज देखो हम कहाँ आ गए। आह दैट्स ऑल द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस। देखो ना, यही तो तकलीफ है अल्सेस के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और अब मुझे पता चल चुका है कि अब आज से हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी द फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और अब जरा देखो तो सही, वो तुम्हारे दोस्त जो आज यहाँ से तुम्हारे और बीच के साथी जो होंगे, जो जर्मन होंगे, वो कल से तुमसे कहेंगे, अरे तुम तो फ्रेंचमैन बनने की कोशिश करते हो, इवन तुम्हें तो फ्रेंच की लैंग्वेज के बारे में ना लिखना आता ना पढ़ना,
तो कितना दुख होगा सुन के। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन प्यारे फ्रेंड्स तुम बहुत सबसे खराब नहीं थे। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्व्स विद। और अब हमारे साथ हमें ये सोचने का भी बहुत सा वक्त है कि अब हम और किन चीजों के बारे में सोचें। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न। हम जानते हैं कि आपके पेरेंट्स भी नहीं इतने ज्यादा इच्छुक थे तुम सब लोगों को पढ़ाना। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। हम भी जानते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा ये चाहते थे कि तुम मिल में काम करो ताकि कुछ पैसे घर के लिए ला सको। आई हैव बीन सो ब्लेम ऑल्सो। मैं भी तो चाहता, मुझे भी तो ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू द वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसंस। कई बार मैंने भी तो तुम्हें अपने पौधों में पानी लगाने के लिए भेज दिया था तुम्हारे चैप्टर पढ़ाने के बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग आई डिड नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडेज। और जब भी मैं फिशिंग करने गया क्या मैंने तुम्हें छुट्टियां नहीं दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर MML वेंट टू टॉक ऑन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और एक के बाद एक MML फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो ये बताते गए कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज कौन सी है, फ्रेंच, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और उन्होंने ये भी बताया कि सबसे ज्यादा क्लियर, सबसे ज्यादा प्यारी लॉजिकल लैंग्वेज है जिसको हमें कभी भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब इंसान को कहीं गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। याद रखिए, जितना ज्यादा वो अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा पर कमांड रखते हैं, याद रखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने अपनी जेल के अंदर बंद कैद के जो ताले हैं उसकी चाबी उसके पास है। देन यू ओपन ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसंस। और उसके बाद वो हमारे लिए ग्रामर लाए और उन्होंने हमारे लिए अपना चैप्टर पढ़ा। आई वाज सो अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। कमाल की बात ये थी, आज सब कुछ बड़े अच्छे से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्स सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। आज वो समझा रहे थे, बड़ा इजी लग रहा था, इतना इजी लग रहा था कि मुझे ये लगा कि शायद आज से पहले मैंने कभी सर को सीरियसली सुना ही नहीं। एंड दैट ही नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने कभी इतने पेशेंस से कुछ सुनाया नहीं। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही नी बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स इन वन स्ट्रोक। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक गरीब इंसान, एक दुखी इंसान अपना पूरा ज्ञान हमें जाने से पहले एकदम देना चाहता है, सिर्फ एक स्ट्रोक मार के, एक झटके में। ओके, थैंक यू दोस्त, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके बाद अभी हम कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर द ग्रामर लेसन वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। और ग्रामर की क्लास के बाद हमारा राइटिंग की क्लास थी। दैट डे MML हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। कमाल की बात यह थी, आज वो कुछ लिखने के लिए नई कॉपियां लाई थी। रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांसेल्सेस। कमाल की बात ये थी कि उसमें काफी खूबसूरत एटलाइज्ड वर्ड में फ्रांसेल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था छोटे छोटे झंडे पूरी क्लास में उड़ रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क। ऐसा लग रहा था हमारे डेस्क से वो झंडे लटक रहे हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लास की हाल कितनी शांत रही होगी और किस तरीके से हम लोग शांत रहे होंगे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ऑफ द पेपर। कमाल की बात यह थी कि क्लास में पेन का कॉपी के ऊपर स्क्रैचिंग की आवाज तक सुनी जा सकती थी, और वही आवाज सुनी जा रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड नो अटेंशन टू देम। कमाल की बात यह थी कि कुछ चिड़ियां उड़कर आई लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। कमाल की बात यह थी कि वो भी अपने काम में लगा हुआ था। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मनी विद द पिजन्स। कमाल की बात यह थी कि वो ऊपर कुछ कबूतर कुइंग साउंड निकाल रहे थे, और एक पल के लिए मेरे दिमाग में आया कि जर्मन लैंग्वेज में ये कबूतरों को भी बोलना सिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw MML sitting motionless in his chair and gazing first at one thing and then at another. जब मैं लिख रहा था तो बार बार मैं MML के चेहरे को देख रहा था, और वो बड़े ध्यान से कभी कुछ देख रहे थे, कभी कुछ देख रहे थे क्लास में, और ऐसा लग रहा था जैसे अपने दिमाग में वो सारी चीजें बसाकर ले जाना चाह रहे थे। Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. कमाल की बात यह है कि 40 सालों से वो उस जगह पर रह रहे हैं जहां स्कूल के सामने प्यारा सा गार्डन है और उनकी खिड़की के सामने एंड गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और अपनी आंखों के सामने अपनी क्लास, जस्ट लाइक दैट। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। कमाल की बात है, इन 40 सालों में डेस्क और बेंचेस ही अपनी अपनी बैठ बैठ कर बच्चों से स्मूथ हो गई। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर
और अखरोट का पेड़ बड़ा हो गया है। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो ऑफ द रूप्स, और बड़ी सी जो लता की पेड़ है वो, मतलब जो लता है, जो जो बेल है वो पूरी खिड़कियों पर ढक चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, कितने दुख की बात है जब वो ये सब छोड़कर जाएंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स, बेचारा दुखी इंसान है, ऐसा लग रहा था कि बार बार जब उनकी बहन ऊपर सामान पैक कर रही थी तो उसकी आवाज़ सुनकर उनको बार बार ये एहसास हो रहा था कि देखो ना ये सबको उन्हें छोड़ के जाना है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, कमाल की बात है, ऐसी स्थिति में भी उनके अंदर पेशेंस बड़ा कमाल का था, धैर्य बहुत था, अंतिम समय तक चैप्टर पढ़ा रहे थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चेंट देयर बा बे बी बो बू, और आफ्टर दैट क्या था कि बच्चों को इस सब पढ़ाने के बाद बच्चों के चैप्टर के लेसन थे। डाउन देयर एट द डेस्क ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उधर क्लास के बिल्कुल पीछे बैक में हॉजर जो था वो चश्मे से बड़े ध्यान से प्राइमर की बुक पढ़ रहा था, स्पेल द लेटर विद देम, और वो उनके साथ साथ लेटर पढ़ रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, कमाल की बात ये थी दुख में वो भी रो रहा था, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और उसकी आवाज में भी एक अजीब सी कपकपाहट थी दुख की। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. कमाल की बात ये थी ऐसी स्थिति में भी ये भी एहसास करना बड़ा कमाल का लग रहा था कि होजर को देखकर हम हंसे कि रोए। Ah, how well I remember it, that last lesson. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे कैसे कितने अच्छे से वो लेसन याद है। At all once the church clock struck 12, और तभी अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजे। Then the angelus, at the same moment the trumpet of the Prussians returning from drill, और तभी अचानक प्रूजियन सोल्जर जो ड्रिलिंग से लौट रहे थे उनके ट्रम्पेट्स की आवाज सुनाई दी। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, एम हेमल स्टूड अ वेरी पेयर इन हिज चेयर, और एम हेमल बिल्कुल पीले से पड़ चुके थे अपनी कुर्सी से खड़े हुए, और आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, कभी मैंने उन्हें इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, उन्होंने हमसे कहा मेरे दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जैसे जब रोने की कंडीशन होती तो इंसान का गला बंद हो जाता है, वही एमएमएल के साथ हुआ। ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ नहीं बोल पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज स्कूल्ड, और तभी अचानक वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और चौक से बोर्ड पर क्या लिखा उन्होंने, वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस का मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, और उसके बाद रुके और दीवार पे अपना सर टिका लिया। And without a word he made a gesture to us with his hands, और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ हिलाकर हमें बाय बाय बोला और ये कहा, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, स्कूल डिसमिस, आप जा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत प्यारा लगा होगा। आप मुझे जानते हैं, रिंकू यादव, सुदति ग्लोबल अकेडमी, मैनपुरी। बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये पहला लेक्चर आपको पहले चैप्टर का बहुत प्यारा लगा होगा। आप इसको फिर भी सुनना चाहें तो सुनिए, और आगे चल के इसका और भी वर्क आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही धन्यवाद। सुदिति नमन।